Yes, students, today we are going to start our next chapter, Death of a Partner, Chapter 7. देखो, death of a partner और retirement of a partner में difference सिर्फ इस बात का होता है कि जो death है वो unfortunately कभी भी हो सकती है, ठीक है, हमें पता नहीं होता, पर जो हमारी partnership में retirement है वो आप voluntary ले सकते हो, जब मर्जी ले सकते हो, आपकी इच्छा से की जाती है, ठीक है। तो उसमें जब भी आप रिटायरमेंट ले रहे हो, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तो उसके पहले वो बताता है कि मैंने आज के बाद यहाँ पे काम नहीं करना, तो टिल दैट डेट, ठीक है ना। जैसे कि अगर वो 30 जून तक ले रहा है, ठीक है ना, तो उसका लिखा जोखा जो है उसके अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे 30 जून तक। अगर वो 31 मार्च से ले रहा है तो हम तब तक क्लोज करते हैं उसके अकाउंट। पर अब देखो, जो डेथ है वो तो कभी भी आ सकती है, बंदे की 14 जून को हो सकती है डेथ, ठीक है ना। अब हर एक पर्सन की जो डेथ है वो तो कभी पूछ के नहीं आती, ठीक है ना, तो कभी 18 जनवरी को हो सकती है उसकी डेथ, ठीक है। तो ये अनफॉर्चुनेटली किसी भी टाइम हो सकती है। तो इसमें जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे बाकी सारी एडजस्टमेंट्स तो सेम ही होंगी जैसे हम पहले कर रहे हैं, सिर्फ जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो आप जैसे कि ईयरली देते हो, ठीक है, अपने मालिक को, तो आपने अब ईयरली नहीं देना, टिल दैट डेट देना है, ठीक है, जब तक उस पर्सन की डेथ होती है तब तक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि तब पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसे ही हमारे एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बट द फर्म में कंटिन्यू, पर फर्म कंटिन्यू रह सकती है, जो अदर पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपना बिजनेस अगर चाहें, विद द रिमेनिंग पार्टनर हु टेक शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जैसे कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, रेशो 3-2-1 है, ठीक है, सी की डेथ हो गया, तो जो इसके शेयर हैं वो ये दोनों ही ले लेंगे, ठीक है। और ये कैसे लेंगे, कहते इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये जो रेशो है इनकी ओल्ड है, ठीक है, तो इसी में ले लेंगे, और या फिर जो भी इनके बीच में डिसाइडेड रेशो होती है, ठीक है। कहने का मतलब जो सी के शेयर हैं 1/6, वो ये कह रहा है कि हम दोनों इक्वली बांटेंगे, ठीक है, तो जो भी उनकी प्रिस्क्राइब रेशो होती है या तो वो उसमें ले लेते हैं या फिर ओल्ड रेशो में। अगर कुछ भी गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, फिर वो क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में लेते हैं, ठीक है। अब देखो, द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर इज द सेम, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो सेम वैसी ही है जैसे रिटायरमेंट के केस में है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू सिचुएशंस का डिफरेंस है, फर्स्ट क्या है, जो रिटायरमेंट है ऑफ द पार्टनर इज़ वॉलेंट्री है, वो तो अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है, इन नेचर एंड इट कैन प्लान, ठीक है, वो प्री प्लान्ड होती है, वो बताता है कि मैं 30 तारीख के बाद नहीं आऊँगा, ठीक है, इन बिटवीन वो नहीं करता, हमेशा एट द एंड ऑफ द मंथ तक करता है हमेशा अपना काम, ठीक है। पर यहाँ पे इन बिटवीन द मंथ भी हो सकता है, ठीक है, वेयर एज डेथ ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी प्लान, ठीक है, वो कभी प्लान नहीं हो सकती। नेक्स्ट है पेमेंट जो है ऑफ द अमाउंट ड्यू अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वेयर एज ड्यू अमाउंट इज पेड टू द लीगल हायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो जो पार्टनर है वो खुद अपने हाथों में अपने पैसे लेके जाता है, ठीक है, पर जब डेथ हो जाती है पार्टनर की, ठीक है, फिर उसका जो लीगल हेयर होगा, ठीक है, वारिस होगा, वो लेके जाएगा डिसीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका, ठीक है, वो कौन होता है, उसका नॉमिनी होता है, ठीक है, हर एक पर्सन अपने नॉमिनी का नाम जो है वो लिखवाता है, ठीक है, अपने नाम के साथ, जब भी उसको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है या फिर कोई भी पार्टनरशिप में जब भी कोई पार्टनर आता है ना, तो वो अपने एक नॉमिनी का नाम साथ में लिखवाता है हमेशा ही, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एडजस्टमेंट्स। अब देखो एडजस्टमेंट्स क्या की जाती हैं, ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में सेम एडजस्टमेंट है जो हम रिटायरमेंट में करते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम चेंज करेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ करेंगे, और एडजस्टमेंट फॉर एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स करेंगे। फिर उसके बाद डिटर्मिनिंग ऑफ अमाउंट ड्यू, आपने कितना पैसा उसको टोटल देना है ये आपने देखना है, पर ये हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, हमारे सिलेबस में छोटे क्वेश्चन है बस, स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है, हम यही करेंगे।
अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने जैसे रिटायरमेंट के केस में किया था सेम वैसे ही होगा। ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशो 3:1 है। ए जो सी है वो छोड़ के जा रहा है, तो जो सी गया है तो इनकी जो न्यू रेशो होगी, ठीक है, ए और बी की, वो कितने रहेगी 3:2, ठीक है। और यही इनकी क्या होगी, गेनिंग रेशो। इन्होंने इसी रेशो में क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। अगर हम ये फुल फ्लेज क्वेश्चन निकाल के देखें फिर भी इन दोनों की यही रेशो आएगी। ये मैंने रिटायरमेंट के केस में आपको निकाल के दिखाई थी, ठीक है। बट इन केस अब कोई न्यू रेशो आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जैसे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, रेशो 3:1 है, ठीक है। इनका शेयर कितना हो गया 3/6, 2/6, 1/6। और जो सी है वो छोड़ के जा रहा है, इसके शेयर ये दोनों 1:1 रेशो में ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अब देखो ये रेशो होनी तो चाहिए थी 3:2, हो क्या गई है 1:1। तो अब इस केस में इनकी रेशो जो है, इनके जो शेयर है वो चेंज हो जाएंगे। अब देखो सीज शेयर टेकन बाय ए, ठीक है। ए कितने शेयर लेगा, 1/6 का हाफ, 1/12, ठीक है। अब देखो बी, ए के पास अपने शेयर कितने हैं, 3/6 का 1/12, उसने किससे ले लिया, सी से। अब इसके पास शेयर कितने हो जाएंगे, 6+1, 7/12 हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से बी के पास अपना शेयर कितना है, 2/6, ये तो ए के शेयर है। बी का शेयर अपना कितना है, 2/6, ये भी 1/12 ले लेगा उससे, ठीक है। तो इसके कितने आ जाएंगे, 4+1, 5/12, ठीक है। तो अब इनकी न्यू रेशो जो है वो चेंज हो गया, अदरवाइज तो क्या हो जानी थी, 3:2 हो जानी थी, ठीक है। पर अब क्या हो गई है, 7:5 हो गई है, ठीक है। और इनकी गेनिंग रेशो क्या है, इक्वली है, ठीक है। क्योंकि जिस रेशो में वो सी इनको दे रहा है, ठीक है, उसी रेशो में ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को सेम एज इट इज़ सीखा है, जैसे हमने किस में किया था, रिटायरमेंट में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब देखो हमने गुडविल की भी एडजस्टमेंट सेम वैसे ही करनी है जैसे हम इन केस ऑफ रिटायरमेंट कर रहे थे, ठीक है। इस केस में भी जो पार्टनर है, ठीक है, अब देखो जो पार्टनर हमारा ए बी सी तीन पार्टनर थे, 3:1 रेशो थी। अब जो सी है वो तो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो इनका जो शेयर है फ्यूचर में वो कौन लेंगे, ये दोनों लेंगे, ठीक है। अगर फर्म 60,000 रुपया कमा रही थी, ठीक है, तो 30,000 ए ले जाया करता था, 20,000 बी लेके जाया करता था, और सी लेके जाता था 10,000 रुपया, ठीक है। पर अब 10,000 इसका बच गया, ठीक है ना, अब ये तो लेके जाएगा नहीं, ठीक है। और फ्यूचर में अगर ये 60,000 रुपया ही कमा रहे हैं, ठीक है, तो 60,000 का 3/5, ठीक है, कितना गया, 36,000 ये लेके जाएगा और 24,000 ये लेके जाएगा। कहने का मतलब इसको 6,000 का फ़ायदा हो गया उसके गए का, और इसे 4,000 का फ़ायदा हो गया। अब ये जो सी है ये कितना, मेरे जाने से इन दोनों को तो फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो सी जाते हुए अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है, एंट्री हमेशा बना करती है गेन टू सेक्रीफाइस, ठीक है। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, शेयर त्याग कौन रहा है, सी दे रहा है, ठीक है। और ले कौन रहा है, ए और बी ले रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है, और सी के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट सेम वैसी है जैसे हमने रिटायरमेंट में की है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। हमने यहाँ पे भी अपना रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था, ठीक है, जिसमें हमने P&L, जिसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, और जिसमें हमने अपनी ऑल एसेट्स को क्या किया था, रिवैल्यूड किया था, और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस किया था, ठीक है। तो इसी केस में हमने क्या सीखा था, यहाँ पे ये P&L एडजस्टमेंट में P&L के रूल्स किस में लगते हैं, नॉमिनल के रूल्स लगते हैं। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एसेट्स जो हैं
वो हमारी डिक्रीज़ होती हैं, कम होती हैं, तो हम डेबिट कर देते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया, हमारे एसेट कम हो गए। और अगर एसेट्स हमारे बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, वो हम क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह से एसेट्स अगर आपकी लायबिलिटीज़ जो हैं, देनदारियाँ हैं, अगर वो आपके डिक्रीज़ हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, बढ़ गई हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पड़ा है, ठीक है, कोई ऐसा एसेट जो हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमारी संपत्ति, ठीक है, तो वो हमें फ़ायदा देगी। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब आपकी वो संपत्ति जो अभी आपने अपने बुक्स में लिखी नहीं, आपकी जो मान लो कि प्रॉपर्टी है वो 10 लाख रुपए की है, ठीक है, उसमें से आपको पता चला 1 लाख की प्रॉपर्टी हो, मैं तो लिखना ही भूल गया, तो इट मीन्स रियलिटी में आपकी प्रॉपर्टी कितनी होगी, 11 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपका क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। और एंड में हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस को प्लस करना है, इनकम्स को प्लस करना है। अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ठीक है, हम अपने एसेट्स पे क्या लेते हैं, गेन लेते हैं, ठीक है। और अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, फिर हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये गेन और लॉस एक टाइम पे एक ही आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, या फिर लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है, ठीक है। और ये आपने किसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स को देना है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ही देना है हमेशा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें से, रिवॉल्यूशन में से जो हमारा पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है, उसके शेयर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स जो हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमारी बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मान लो 60,000 के रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रखा हुआ है, तो ए बी सी तीन पार्टनर थे, रेशो 3:1 थी, ठीक है। तो मान लो ए ने कितना दिया होगा, 30, बी ने कितना दिया होगा, 20, और सी ने भी कितना दिया होगा, 10। तो अब सी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो सी की जब डेथ हो गई है तो ये अब डिसीज्ड पार्टनर बन गया हमारा, तो इसका जो वारिस है, ठीक है ना, हेयर है, उसको हमने कितने पैसे देने हैं, 10,000 रुपये वापस करने हैं, क्योंकि सी में भी, सी का भी पार्टिसिपेशन है इस 10,000 का, ठीक है, इस 60,000 में। इसी तरह से ये जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, आपका P&L का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, यहाँ पे P&L का डेबिट बैलेंस हो सकता है आपका, ठीक है, और आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है इसमें, और नेक्स्ट इसमें गुडविल आ सकती है। अगर गुडविल हमें एसेट साइड दे रखी होती है तो ये परचेज्ड गुडविल है, इसमें से भी हिस्सा हमने अपने पार्टनर से लेना है, ठीक है। तो ये सारी ही हमारे क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, ठीक है, और प्रॉफिट्स में से तो हमने उसे देना होता है तो हम दे देंगे, लॉसेस में से हमने उससे लेना होता है तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स वैसी ही हैं जैसी हमने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की थी, ठीक है। बस एक ट्रीटमेंट न्यू है जो हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नहीं करते, ठीक है, वो कौन सी है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये प्रॉफिट जो है ये कब तक का बांटा जाएगा, टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, जब उस पर्सन की डेथ हुई है तब तक का हमने प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। पहले देखो यहाँ तक कि हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो रिकॉन्स्टिट्यूशन एडजस्टमेंट्स थी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर जो हमारी पार्टनरशिप होती है, ठीक है, जो हमारी पार्टनरशिप है, जब हमारी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, सिर्फ हम ये सारी एडजस्टमेंट तभी करते हैं, ठीक है। पर जो हमारी ये प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है, ये हमने उसे प्रॉफिट तो हम अपने पार्टनर को हर साल देते ही देते हैं, पर गुडविल में ये हमारे जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं ये हम हर साल नहीं बांटते, सिर्फ कब देते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट हर साल नहीं बनता, सिर्फ कब बनता है, एट द टाइम ऑफ
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसी तरह से गुडविल हमेशा नहीं बांटी जाती, कब दी जाती है? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से ही चेंज भी रेशो को हम डिफाइन नहीं करते कि हमारी न्यू रेशो ये थी अब, सॉरी हमारी ओल्ड रेशो ये थी अब हमारी न्यू रेशो ये बन गई है। ठीक है, ये भी सिर्फ एडजस्टमेंट्स कब की जाती हैं? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, बस एक नई एडजस्टमेंट है हमारे पास, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो आप हर साल करते हो। ठीक है, पर अब हमारे पार्टनर की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो अब हम उसे शेयर देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी है ये हमारी एडजस्टमेंट न्यू एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये तो हम प्रॉफिट तो हर साल देते हैं, इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल देते हैं। ठीक है, सैलरी हम ईयरली देते हैं। ठीक है, वैसे तो हम मंथली देते हैं उसे, जैसे कि 1000 पर मंथ। ठीक है, पर पूरे साल के हम इकट्ठे काउंट करते हैं 1000 × 12। ठीक है, तो ये जो है ये हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट है ठीक है ये हमने ईयरली पूरे साल का देखना है। पर कब तक देखना है, जैसे कि देखो अब एक पार्टनर है 31 मार्च 2000। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि ए बी सी तीन पार्टनर है, उनमें से सी की डेथ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सी था, इसने ना जब सी ने हमारे साथ काम कर रहा है ठीक है, और ये ना जब हमने 31 मार्च 2020 की अपनी बैलेंस शीट बनाई हुई है ठीक है, उसमें ना हमने सी का कैपिटल अकाउंट में अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया हुआ है ठीक है, कैरेट डाउन अमाउंट ट्रांसफ़र किया हुआ है, वो टिल द डेट ऑफ 31 मार्च 2020 किया हुआ है कि हमने सी को टोटल पैसे कितने देने हैं, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट में हमने 1 लाख रुपया शो किया हुआ है कि इसको इतने पैसे 2 लाख रुपया देना है, तो 2 लाख रुपया हमने शो किया हुआ है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, सी हमारे साथ अच्छा वाला काम कर रहा था, काम करते करते 15 मई 2020 को सी की क्या होगी, डेथ होगी। ठीक है, मतलब उसने हमारे साथ 1.5 मंथ्स काम किया। ठीक है, तो अब देखो बच्चे यहाँ पे ये जो हमने इसको जो पैसे देने हैं, जो प्रॉफिट का हिस्सा देना है ठीक है, वो हमने कितने महीने का देना है, सिर्फ 1.5 मंथ्स का ही देना है। ठीक है, पर अब आप देखो कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सीजनल बिजनेस होते हैं कि जिसमें एक सीज़न में तो काम बहुत ज़्यादा होता है ठीक है, और बाकी टाइम वो बिल्ले होके बैठ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर जो ये जो 1.5 महीने सी ने हमारे साथ काम किया है ठीक है, उस 1.5 महीने में तो हमारी सेल जो है वो लाखों में हुई हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पार्टनर हैं वो पूरा साल बिल्ले बैठे हों। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि जिस टाइम ही इसकी डेथ हुई है उस टाइम वो बिल्ले हों, बिल्कुल ही 0 अमाउंट हो, उनकी अकाउंट में कोई पैसा ही ना आया हो। ठीक है, और उससे उसके बाद उनके पास पैसे ही पैसे, उनका सीज़न शुरू हो गया हो। ठीक है, तो इस टाइम पे ये जो हमने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है ठीक है, ये हमने किस बेस पे निकालना है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में आपको ये टर्म ये बेसिस दिए होंगे। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल भी हो सकती है ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यह आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पेपर में, बुक में ठीक है ना, आपके जो भी क्वेश्चन आ रखा है ठीक है, वो क्वेश्चन आपका एज पर डेड होता है। ठीक है, जो भी टर्म है जो भी शर्त है उसमें लिखी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो एंटाइटल्ड है, उसको मिलेगा ही मिलेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, कब तक, जैसे कि मैंने बोला 31 मार्च तक का तो आपने लिखा चुका किया है, उसके बाद क्योंकि 31 मार्च 2020 तक का तो हमने कैरी डाउन कर दिया कि तुम्हें इतना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो 1.5 महीना है ठीक है, जो 1.5 मंथ्स उसने हमारे साथ काम किया है ठीक है, तो वो 1.5 मंथ का भी हमने क्या करना है, उसे पैसे देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सिमिलरली ही
बियर्स लॉसेस, अगर हमने उसे प्रॉफिट देना है तो लॉस भी बियर करेगा वो, इफ़ एनी इनकर बाय द फर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, तो जो इस पीरियड में आएगा, ठीक है। अब देखो ये आपने दो केसेस हैं, इसको ध्यान से देखना है। फर्स्ट केस है यहाँ पे, इफ़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज, अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती, कहने का मतलब ए बी सी तीन पार्टनर रेशियो 3-2-1 है, सी की डेथ होगी और अदर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इनकी यही न्यू रेशो होगी और यही गेनिंग रेशो होगी, ठीक है। अगर कोई भी रेशो चेंज नहीं हुई तो फिर आपने सिंपली क्या एंट्री पास कर देनी है, पी एंड एल सस्पेंस। अब देखो सस्पेंस वर्ड क्यों आया है, सस्पेंस वर्ड इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब सस्पेंस है कि हमें नहीं पता कि डेढ़ महीना हो सकता है हम सुपर प्रॉफिट में बैठे हों और उसके बाद हम बेले होके बैठ गए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप इस टाइम बेले बैठे हों और बाद में सुपर प्रॉफिट में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ही वर्ड सस्पेंस आएगा क्योंकि हमें नहीं पता एट द एंड ऑफ द मंथ ये हमारा इतना एक्सैक्ट अमाउंट होगा, ठीक है, और ये हमेशा ही बिजनेस का एसेट होगा, ये याद रखना है, एसेट्स हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमने जस्ट इमेजिन किया है, ठीक है, ये हमने जस्ट उसको प्री पेड किया है, प्री पेड एक्सपेंस माना जाएगा इसे बिजनेस का, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तो जो प्रॉफिट है वो तो कब होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, ठीक है, पर पैसे हमने कब दे दिए उस पार्टनर को, पहले ही दे दिए, एडवांस में ही दे दिए, दो उसके डेढ़ महीने का जब हम लेखा जोखा कर रहे थे तभी हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि इस प्रॉफिट को हमें पता कब चलेगा, हमें तो 30 मार्च 2021 में पता चलेगा कि रियलिटी में हमने कितना कमाया है, ठीक है, तो हमेशा ही ये बिजनेस का क्या होगा, एसेट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा एसेट है ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और डिसीज्ड पार्टनर्स का, ये हमारी क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, हमने ट्रांसफ़र किसके पास कर देना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब देखो ये पार्टनर्स, अब देखो यहाँ पे बिजनेस में पार्टनर्स को, ठीक है, जो भी चीज़ देनी होती है वो क्रेडिट होती है और जो चीज़ उनसे लेनी होती है वो क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर पार्टनर बिजनेस की कौन होते हैं, वो इंटरनल इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस की, देनदारी होती है, ठीक है, तो बिजनेस की जो लायबिलिटी होती है, ठीक है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, देना है तो क्रेडिट कर देंगे, लेना है तो डेबिट, ठीक है। अब इस केस में प्रॉफिट है तो पार्टनर को देना है, तो पी एंड एल सस्पेंस को हमने क्या कर देना है, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, ठीक है, तो इसीलिए हमने पार्टनर के अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, अगर आपने लेना है, व्हेन डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन लॉस, अगर लॉस में है उसका शेयर, ठीक है, तो फिर हम ले लेंगे, ठीक है। इस केस में मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनर्स का अगर हमने देना होता है तो क्रेडिट, लेना होता है तो डेबिट, ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड इंक्रीज, डेबिट साइड डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पार्टनर्स का अकाउंट जो है वो डेबिट कर देना है क्योंकि लेना है, और पी एंड एल सस्पेंस यहाँ पे हमारी एसेट की जगह क्या बन गई है, ये लायबिलिटी बन गई है, ठीक है, इस टाइम पे। नेक्स्ट उसके बाद है भाई इफ़, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट केस है हमारा, इफ़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स जो हैं डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज का मतलब ए बी सी पार्टनर थे 3-2-1 रेशो थी, यहाँ पे ये चला गया, कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है, सिर्फ तभी आपने ये एंट्री पास करनी है, ठीक है। बट इन केस आपके क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर थे, रेशो 3-2-1 थी, सी चला गया, और ये कहते हैं कि न्यू रेशो जो है अमंग द पार्टनर्स आर 2:1, वो चेंज हो गई है, ठीक है, या फिर गेनिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स आर 1:1, ठीक है। अब अगर अदर इन्फॉर्मेशन कोई गिवन है, ठीक है, तो उस केस में आपकी एंट्री जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आने वाले पार्टनर हैं, जो न्यू पार्टनर हैं, ठीक है, वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनसे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन में गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर देना भी तो उसी रेशो में ही चाहिए उनको, ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा? इफ़ अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स आर चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, व्हेन डिसीज्ड पार्टनर शेयर इज प्रॉफिट, अगर तो प्रॉफिट है, ठीक है, तो फिर सेम एंट्री हम करेंगे, ठीक है, पी एंड एल सस्पेंस टू डिक्रीज पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और फिर ये जो पी एंड एल सस्पेंस है ये लेके आएंगे, कौन लेके आएंगे, जो हमारे गेनिंग पार्टनर होंगे, ठीक है, किस रेशो में लेके आएंगे, जिस रेशो में वो गेन करेंगे, ठीक है, मान लो कि पी एंड एल सस्पेंस का 20,000 रुपये आया है और गेनिंग रेशो ओल्ड पार्टनर्स की 1:1 है, तो 10,000 ये लेके आएगा, 10,000 ये लेके आएगा और दोनों ला के इसे कितना दे देंगे, 20,000 रुपया दे देंगे, ठीक है। और अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री करना चाहते हो तो कंबाइंड अल्टरनेटिव एंट्री भी कर सकते हो, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटते, पी एंड एल सस्पेंस कट गया, एंट्री हमारी क्या बन गई है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसी तरह से अगर प्रॉफिट की जगह हमने लॉस लेना हो उनसे, ठीक है, तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे, सेम वैसे ही डिसीज्ड पार्टनर, अब हमने लेना है तो डेबिट हो गया, पी एंड एल सस्पेंस क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे पी एंड एल सस्पेंस टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ला के क्या होंगे, यहाँ पे तो ये ला के नहीं देगा, क्यों, क्योंकि लॉस का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम इसकी कंबाइन अल्टरनेटिव एंट्री करनी हो तो पी एंड एल सस्पेंस कट गया, एंट्री क्या होंगी, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, इसकी क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब देखो जैसे इस केस में है, कितने रमन दमन एंड करण तीन पार्टनर हैं, ठीक है ना, रमन दमन एंड करण तीन पार्टनर, रेशो 3:1 है, दमन डाइड, ठीक है, दमन की डेथ होगी। अब यहाँ पे कहते डाइड 30 जून 2020 को, ठीक है, 30 जून को उसकी डेथ होगी है। रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस डिसीज्ड पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेथ, ठीक है, वॉज टू बी डिटर्मन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 3,60,000, ठीक है। अब देखो 3,60,000 रुपये के बेस पे, मतलब वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि जितना प्रॉफिट हमें पिछले साल हुआ था इतना ही हमें इस साल हो जाएगा, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि 3,60,000 ही हमने इस बार कमाना है, ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, 3,60,000 का उसका शेयर दमन कौन है, 2/6, ठीक है, इनटू कब उसकी डेथ हुई है, 30 जून, ठीक है। अब देखो आपने बिजनेस में लिखा जोखा कब कर लिया है, 31 मार्च को, ठीक है ना, ये अज्यूम करते हैं हम 31 मार्च को कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद टाइम पीरियड हमारा कितना रह गया, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ठीक है, ये अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना, ये तीन महीने उस पर्सन ने हमारे साथ काम किया है, तो 3/2 क्या आ जाएगा, 12, सिर्फ तीन महीने का ही निकालना है। तो हमने ये देखना है कि 31 मार्च 2020 तक का तो हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखा है, ठीक है। चलो अब ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये काट के आ जाएगा, ये आ गया 180 का हाफ 6 ये आ गया 30,000, ठीक है, तो हमने उसको कितना दे देना है, 30,000, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई अदर इंफॉर्मेशन, कोई अदर पार्टनर्स की कैपिटल रेशो गिवन नहीं है, ठीक है, तो इस केस में हमने क्या कर देना है, बस एक ही एंट्री पास कर देनी है, पी एंड एल सस्पेंस हमारा एसेट्स हैं, टू क्रिएट क्या हो रही है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, दमन को पैसे देने वाले हैं कितने, 30,000, ठीक है, तो ये एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल सस्पेंस टू दमन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है संजय अजय करण, तीन पार्टनर, रेशो 3:1 है, करण की डेथ होगी लास्ट वाले की, ठीक है, तो कितने ऑन 31 जुलाई, अब ये कब हुई है, 4 महीने बाद, ठीक है, अब अप्रैल का महीने उसने हमारे साथ काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है ना, पूरा महीना काम किया जुलाई का भी, 31 जुलाई को डेथ हुई है, तो 4 महीने का यहाँ पे लगेगा। डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी डिटर्म ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. ठीक है, लास्ट ईयर्स लॉस वॉस. ठीक है, अब देखो ये कैसे कहता लास्ट ईयर्स प्रॉफिट के बेस पे करना है, और लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, हमें तो लॉस हो गया. कितने का लॉस हो गया? 1,80,000. तो इट मीन्स इस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर से लेंगे पैसे. ठीक है, अब देखो हमारी जो वो है, हमारी डीड है, उसमें तो लिखा था कि जो डिसीज्ड पार्टनर है जब उसकी डेथ होगी तो बिगिनिंग से लेके साल के शुरू से लेके, साल का शुरू कब हो गया, 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ तक देना है जो उस साल के पिछले साल का प्रॉफिट होगा. ठीक है, पर इस फर्म को तो प्रॉफिट हुआ नहीं, इस फर्म को लॉस हो गया, तो इन्होंने इस लॉस के बेस से ही उससे पैसे ले लिए कि इनको ये लग रहा है कि इन्होंने ये अज्यूम किया कि इस बार भी हमें लॉस ही होगा. ठीक है, तो इस केस में अब देखो आपने अमाउंट जो निकालना है वो कैसे निकालना है, 1,80,000. ये देखो हमारा अमाउंट है 1,80,000. ठीक है, इंटू 4/12. ठीक है, इंटू उसका शेयर क्या है, 1/6. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000. ठीक है, तो इस केस में ये पी एंड एल सस्पेंस हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है. ठीक है, और यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट कर देना है पार्टनर्स के. ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हम उनसे क्या कर रही हैं, ले रहे हैं. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उसने कहा है राम मनोहर प्रेम. ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, परम जो है उसकी डेथ हो गई है 29 फरवरी को डेथ हुई है. ही शेयर ऑफ प्रॉफिट क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 completed ईयर ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डेथ. ठीक है, डेथ से पहले जो उसके पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स थे ना, उनकी एवरेज निकालनी है. एवरेज कैसे, पहले 3 साल का प्लस अगर उसने एग्रीगेट कह देते, हमने 2,70,000 का निकालना था, अब उसने क्या कहा है, एवरेज. एवरेज का मतलब डिवाइडेड बाय 3 भी करना है. ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया, 90,000. अब 90,000 का, ठीक है ना, आपने कितने, ये कितने टाइम्स का निकालना है उसने कहा. अब देखो टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, ये तो 90,000 हमारी एवरेज प्रॉफिट निकल आया है, और टाइम देखो 11/12. ठीक है, क्योंकि उसकी डेथ जो है 19 फेब को हुई है. ठीक है, हमने कब तक का उसका लेखा जोखा किया हुआ है, हमने उसको दिया हुआ था पैसा 31 मार्च 2019 तक. ठीक है, अब उसकी डेथ कब हुई है, 29 फरवरी 2020 को हुई है. ठीक है, तो इट मीन्स उसने पूरे 11 महीने हमारे साथ काम किया. ठीक है, तो उसका टाइम यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया, 82,500. ठीक है, अब ये तो पूरी फर्म का आया है, हमने उसका शेयर निकालना है. ठीक है, जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर कितना है, 27,500, क्योंकि जा तो सिर्फ वही रहा है ना, बाकी तो पार्टनर्स कॉन्टिन्यूइंग हमारे साथ ही हैं. ठीक है, तो उनको नहीं हमने देना, सिर्फ जो जाता हुआ पार्टनर है सिर्फ उसी का निकालना है. ठीक है, अब देखो इसने दोनों केस दिए हुए हैं. When profit sharing ratio of Ram और Manohar does not change, अगर वो चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, तो इस केस में तो हमने सिंपल एंट्री कर देनी है P&L suspense to deceased partners capital account. ठीक है, और अगर when the profit sharing ratio of Ram और Manohar change हो रही है, change कैसे होगी, P&L suspense account कितने का है, 27,500 का देना इतना ही है. ठीक है, और इन फ्यूचर उन्होंने रेशो अगर चेंज कर लिया है, सेकंड केस में उसने कहा है कि रेशो 3:2 है, तो इट मीन्स वो इसी रेशो में ला के देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 27,500 का 3/5 कितना हो जाएगा, 22,000, तो ये ला के देगा, और 27,500 का 2/5 कितना हो जाएगा, 50,500. ठीक है, ये कौन ला के देगा, मनोहर ला के देगा. ठीक है, दोनों ही पार्टनर्स को इतने पैसे ला के देंगे. ठीक है, P&L सस्पेंस में यहाँ पे इनके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर देना है. ठीक है, किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, जिसकी डेथ हुई है, और इन दोनों के अकाउंट में डेबिट कर देना है. ठीक है, अब देखो अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएं तो जो सी है, ठीक है, सी नहीं है, कौन था ये, हमारा पार्टनर परम. ठीक है, जो हमारा परम पार्टनर है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में तो हमने क्रेडिट कर देने, क्योंकि वो लेके जा रहा है, और जो दे रहे हैं राम और मनोहर, ठीक है, राम और मनोहर उसके अकाउंट में हमने 22,000 रुपये और 5,500 डेबिट कर देने हैं. ठीक है, ये दोनों फर्म को देंगे, फर्म किसे दे देगी, परम को दे देगी लेके. ठीक है, अब इसी तरह से इन्होंने अल्टरनेटिव एंट्री भी इसकी कर रखी है. ठीक है, अगर हम P&L suspense काट देते हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी, राम मनोहर टू परम्स कैपिटल अकाउंट.
इसी तरह से अगर हमें प्रॉफिट को बेस ना लेते हुए यहाँ पे उसने टर्नओवर को बेस ले लिया है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, हमारी सेल्स, ठीक है। टर्नओवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कभी फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ड जो है वो टर्नओवर यूज़ करते हैं सेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि अगर जो प्रॉफिट है उसको ना लेते हुए सेल्स के बेस पे आपको प्रॉफिट निकालने के लिए बोल दे, ठीक है, डिसीज्ड पार्टनर का, तो फिर हमने कैसे निकालना है। यहाँ पे भी हमारे पास टू टाइप ऑफ केसेस आ सकते हैं, सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, अकाउंटिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, और सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ की डेट तक, या फिर प्रीवियस ईयर की सेल को लेते हुए, ठीक है, दोनों केस आ सकते हैं हमारे पास। और देखो हम फर्स्ट केस करते हैं, फर्स्ट केस में क्या है, कितने यहाँ पे ना हमारे पास क्वेश्चन में सेल दे रखी है, ठीक है, सेल कितनी दे रखी है, 31 मार्च 2020 को हुई थी 12 लाख, और प्रॉफिट हमने कमाया था 2,40,000। अगर सेल इस साल की हमारी 3 लाख है तो प्रॉफिट पता करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हमारा ऐसे होना चाहिए कि प्रॉफिट हमने एस्टिमेट करना है, अगर सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सेल के नीचे सेल ही आनी चाहिए, अगर सेल हमारी इतनी है तो प्रॉफिट हमने इतना कमाया। कहने का मतलब अगर सेल 12 लाख है तो प्रॉफिट मैंने कितना कमाया, 2,40,000, और नेक्स्ट फिर मुझे सेल दे रखी है तो सेल के नीचे सेल ही आनी चाहिए, ठीक है। सेल अगर मेरी 3 लाख है तो प्रॉफिट मैंने कितना कमाया, 12,00,000 × 3,00,000, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमने कैंसिल कर देनी है 40 से 40, 10 से 10, 3, 4, 4, 2, 4, 6,000, ठीक है, ये आ गया हमारा 60,000 रुपीज़, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। सेल सेल्स के नीचे ही आनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट ही पूछा जाएगा, सेल तो कभी पूछी नहीं जाएगी कि हमने इतनी सेल की, ठीक है। तो याद रखना है आपने, ऐसे ही करना है इसे। अब देखो जैसे यहाँ पे एक अब देखो हम ये क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो 2:1 है, ठीक है। अब देखो बी की डेथ हो गई है, तो बी की जो डेथ हुई है तो अब इनकी रेशियो 2:1 रह जाएगी रिमेनिंग की, ठीक है। और बी की डेथ कब हुई है, 30 जून को हुई है, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च को हमने बुक्स बंद कर दी हैं, इट मीन्स 31 मार्च तक का तो प्रॉफिट उस पर्सन के पास गया हुआ है, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल मई और जून, ठीक है, 3 महीने का प्रॉफिट अभी उसे देने वाला रहता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, सेल फॉर द ईयर 31 मार्च जो है, कितना, 31 मार्च तक की सेल तो हमें हुई थी 3 लाख, ठीक है, और 31 मार्च तक की सेल के ऊपर हमने कमाया कितना था, 30,000। अगर हमें 3 लाख की सेल हो रखी है तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 30,000, और अगर हमें 1 लाख की सेल होती, ठीक है, तब हम कितना कमाते, 3,00,000 × 1,00,000, ठीक है। ये 0,0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 10,000 अमाउंट, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये की सेल हुई है, ठीक है। अब देखो ये जो 10,000 की सेल है ये हमने कब तक की निकाली है, क्योंकि सेल हमारे पास जो गिवन है 1 लाख, वो टिल द डेट ऑफ डेथ तक की ही है, ठीक है, याद रखना है। अगर टिल द डेट ऑफ डेथ तक है तो फिर हमने ऐसे नहीं करना कि 10,000 के बाद हम 3/12 लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने पूरे टाइम तक की ही दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था प्रॉफिट जो था अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखना है क्वेश्चन में पढ़ना है कि जो हमें सेल दे रखी है वो उस डेट तक की ही दे रखी है ना, ठीक है। अब देखो ये जो हमने निकाला है प्रॉफिट 10,000 रुपये, ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है, ठीक है, 3 महीने का, सिर्फ हमने तो बी का निकालना है, बी का शेयर कितना होगा, 2/5, कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, अगर आपने लॉस निकालना है तो लॉस भी हम ऐसे ही निकालेंगे, यस। नेक्स्ट इसी तरह से हम एक लॉस की एग्जांपल ले लेते हैं, वीर धर्म करम 3 पार्टनर रेशो 3:1 है, ठीक है, 30 सितंबर को धर्म की डेथ हो जाती है, तो कितना, अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर क्लोज 31 मार्च, अकाउंट्स आप 31 मार्च को क्लोज कर दिया, ठीक है ना, 30 सितंबर को उसकी डेथ हुई है, तो इट मीन्स पूरे 6 महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर भी उसने लगाया, 30 सितंबर को उसकी डेथ हुई है, तो 6 महीने उसने हमारे साथ काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मंथ की, ठीक है, यहाँ पे देखना है आपने कि सेल जो है वो कब तक की दे रखी है। अब कहता है सेल फॉर द ईयर एंडर
अगर 31 मार्च की हम पिछले बेस पे ले रहे हैं तो पिछली बार हमने सेल 6 लाख की और हमें लॉस हो गया, कितने का हो गया, 60,000 का, ठीक है। और अगर हम इस साल अपनी जो सेल कर रहे हैं वो कितने की कर रहे हैं, 3 लाख की सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लॉस ही एक्सपेक्ट करेंगे कि लॉस हमें इतने का होगा, तो इट मीन्स हमें लॉस कितने का हो गया, 30,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 तो पूरी फर्म का लॉस है ना, हमने तो किसका निकालना है, धर्म का लॉस निकालना है, ठीक है। धर्म का शेयर कितना है, 2/6, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 30,000 × 2/6, ठीक है, जो लॉस है वो हमने ट्रांसफ़र कर देना है किसके अकाउंट में, धर्म के अकाउंट में, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने ये जो हमने अपनी ट्रीटमेंट सीखी है सारी ही ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स की ट्रीटमेंट थी, ठीक है, जो हमारे लिए क्या था, नया टॉपिक था, ठीक है। अब हम इसी तरह से गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल की ट्रीटमेंट सेम वैसे ही है जैसे हमने इन केस ऑफ किस में सीखा था, रिटायरमेंट में सीखा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो डिसीज्ड पार्टनर को, ठीक है, जो पार्टनर है जो सेक्रीफाइसिंग है, जो उनको अपना शेयर दे के जा रहा है, जाते हुए ला के दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट सेम वैसी है जैसे, इस बार हमारे सिलेबस में सिर्फ यही टॉपिक है, ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ यही गेन टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री करके दिखानी है, रेस्ट वाली और एडजस्टेड वाली एंट्रीज हमारी ख़त्म हो गई हैं। ओनली एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो हम इसी के ही क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे देखो जैसे इलस्ट्रेशन 7th है, ठीक है, 7th इलस्ट्रेशन में PRS 3 पार्टनर है, रेशो 4:3:1 है। इट वॉज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डेट दैट ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटर टू हिज अकाउंट, ठीक है। उसके अकाउंट में जो पैसा जाना है वो हाफ होगा प्रीवियस ऑफ 4 कम्प्लीटेड ईयर का, ठीक है। अब हमने इसी के बेस पे निकाल देना है पिछले 4 सालों का, ठीक है, हमने प्रॉफिट और लॉस देखना है कितना है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट 1/60 और लॉस हो गया 20, ये माइनस कर देना, 80,000 प्लस 2/40 हो गया। 2/40 का हमने कैसे निकालना है, 3/8, ठीक है, जो उसका शेयर है, ठीक है, उसका हाफ, हाफ का मतलब आधा दे देना है उसे, कितना आ गया, 45,000, ठीक है। अब उसका शेयर जो आर का है वो कितना है, 45, और ये दोनों लेके किस रेशो में आएंगे, गेनिंग रेशो में, ठीक है। तो गेनिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो से, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसी तरह से ही ये नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमें गुडविल की दे रखी है, ठीक है। हम ये नेक्स्ट क्वेश्चंस भी गुडविल के कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।